यार तुझसे नहीं होगा, इससे ना जिंदगी नहीं बनने वाली। क्या 24 घंटे तुम फोटोग्राफी में लगे रहते हो, पढ़ाई लिखाई भी कर लो, एग्जाम आ रहे हैं सर पे। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर नॉट क्रिएटिव। कुछ नहीं रखा है तो होना हाना कुछ है नहीं, छोड़ दो, लीव इट, फॉरगेट इट। तो अगर आपको भी सारे तरफ से यही आवाजें सुनाई दे रही हैं, किसी को आपके ऊपर विश्वास नहीं है, कोई नहीं चाहता कि आप फोटोग्राफी करो, तो ये वीडियो है आपके लिए, और ये वीडियो है उनके लिए जो आपको ये सब कह रहे हैं। तो मेरी बात होगी आज दो लोगों से, एक जो कि आपको 24 घंटे यही बोलते रहते हैं या मैं कुछ ना धरा है भाई, इसे छोड़ दो, और दूसरा मैं आपसे बात करूंगा। आई कैन अंडरस्टैंड वॉट यू मस्ट बी गोइंग थ्रू, कितना डिप्रेशन हो रहा है, कोई आप पे विश्वास नहीं करता, सब आपके दुश्मन है। तो भैया पहले कर लेता हूँ मैं आपसे बात, जो कि इस सब को झेल रहे हो। तो मेरा सबसे पहले ये क्वेश्चन है तुमसे कि भाई तुम फोटोग्राफी करना क्यों चाहते हो, वॉट इज़ द रीज़न? अगर तुम फोटोग्राफी सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि इट्स कूल, या फोटोग्राफी तुम इसलिए कर रहे हो कि सब लोग कर रहे हैं, या तुमको लगता है कि ये आसान तरीका है पैसा कमाने का, या फिर तुमको लगता है कि यार फोटोग्राफी कर लो, पढ़ाई वढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम फोटोग्राफी करना चाहते हो? हाँ जी, आ जाओ आप लोग, आपसे करते हैं बात अब, और मेरी बात मान लो, ये सजेशन मान लो, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। सजेशन ये है कि कोई भी काम ऐसा मत करो जो कि आप किसी को देख के कर रहे हो, जो कि आपको लगता है कि कोई और कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। किसी से इम्प्रेस होके फालतू में ऐसा कोई काम मत करो जिसकी आपके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है, और कोई भी काम हो, चाहे फोटोग्राफी है चाहे कोई और काम है, वो सिर्फ इसलिए मत करो कि किसी चीज़ से आप बचना चाहते हो। इस केस में जैसे आप पढ़ाई से बचना चाहते हो, पढ़ाई की मेहनत से बचना चाहते हो, तो इसलिए मत करो। ये मेरा सजेशन है आपके लिए। और अगर आपको जो भी काम करना है, आप उसको वर्ड्स के थ्रू बोल के मत बताओ कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करूँगा। आप उसे करके दिखाओ, प्रूव इट, प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर राइट इन चूजिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। दूसरी बात, लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करो कि जो आप कर रहे हो वो क्यों करना चाहते हो, उसके फ़ायदे क्या हैं, और आप क्यों करना चाहते हो वो, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है, आपके अंदर ऐसी क्या कैपेबिलिटी है कि आप वो काम करना चाहते हो। तो आप प्रूव करो उन्हें, उनको कुछ काम दिखाओ, आप उनको दिखाओ कि फोटोग्राफी में आप कितने अच्छे हो। हो सकता है वो कन्विंस हो जाए, हो सकता है वो आपकी बात को माने, और हो सकता है कि वो आपका साथ निभाए। तो लड़के झगड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, कन्विंस करो अपने कर्मों से, कन्विंस करो अपने काम से, ना कि इक्विपमेंट खरीद के, ना कि अच्छे कपड़े पहन के, ना कि टशन दिखा के। टशन दिखाने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू प्रूव इट। और हाँ, इन सब चीज़ों के बाद एक चीज़ मेरी मान लो कि देर इज़ नो शॉर्टकट फॉर एनीथिंग। कोई भी काम आसान नहीं है, हर चीज़ में मेहनत लगती है, और जिन लोगों को आप देख के इतना इम्प्रेस हो रहे हो, जिन लोगों को देखकर आप अपना उनको आइडल बना रहे हो, उनकी मेहनत भी देखो, उनको क्या क्या करना पड़ा है, क्या क्या सहना पड़ा है आज इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए जहाँ पर आप उनको आइडलाइज करते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए, इन चीज़ों को समझो। ये डिप्रेशन और अपने आप को तोड़ देना और अपने आप को किसी दूसरे जोन में ले जाना या गलत चीज़ों में पड़ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके लिए सिर्फ इतना सा सजेशन है कि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। उनको भी समझो और अपने काम को भी समझो, और अपने अंदर झांक के देखो कि आर यू रियली केपेबल ऑफ डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, सिंपल एज दैट। तो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप जा सकते हो दोस्त, जाओ खेलो, पिक्चर खींचो, बाहर जाओ। तब तक मैं आपके चाहने वालों से, आपको जो ताने मार रहे हैं उनसे बात कर लूँ। तो आ जाइए जी, आपसे बात करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, आप उनके दोस्त हो सकते हैं, आप उनके भाई हो सकते हैं, आप उनकी बहन हो सकते हैं। मेरा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि आई नो What you mean to say, because आप उनका भला चाहते हो, आप चाहते हो कि वो अपने ज़िंदगी में सेटल हो जाए। तो आपकी बेसिक जो कंसर्न है वो ये नहीं है कि वो फोटोग्राफी कर रहा है या वो पेंटिंग कर रहा है, आपकी बेसिक कंसर्न है आप चाहते हो कि वो सेटल हो जाए। और सेटल कैसे होते हैं? जब नोट कमाने लगते हैं। तो अगर वो
ड्राइंग करके या पेंटिंग करके भी पैसे कमाएंगे ना, तो आपको वो भी ठीक लगेगा. लेकिन एट दिस पॉइंट यू थिंक दैट जो एक चीज़ चली आ रही है, जो चलन चला आ रहा है, जिसमें आपको दिखता है कि सारी दुनिया पैसे कमा रही है, आप चाहते हो कि आपका बच्चा वही काम करे जो कि श्योर शॉट है. पर आपको मैं एक राय देना चाहता हूँ कि आप उनको उस हद तक मत ले जाओ बोल बोल के, ताने दे के, कि वो डिप्रेस हो जाएं, वो टूट जाएं, जिसमें वो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे, वो अपनी दुनिया में खो जाए. मेरा ये सजेशन है कि आप उनको समझने की कोशिश करें, आप उनका साथ दें, आप ये समझें कि वो करना क्या चाहते हैं, किस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, क्या वो रियली उस चीज़ के कैपेबल हैं या नहीं है, और एक चांस तो दे के देखो उनको. क्या पता वाकई वो उस चीज़ में बहुत अच्छे हों जिस चीज़ के बारे में वो आपको कन्विंस करना चाहते हैं, क्या पता वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, क्या पता वो बहुत क्रिएटिव हैं. लेकिन आप उसको चांस ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप उसको पहले से जज कर चुके हो कि नहीं भाई ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर पाएगा. एंड आई नो कि ये चीज़ करी तो भैया डॉक्टर बन गया ना, इसमें पैसे सही कमा सकते हैं. तो चांस दो उनको, उनके ऊपर विश्वास रखो, और उनको ये समझाने की कोशिश करो कि बैलेंस करके चलो. ठीक है, मैं तुम्हें चांस देता हूँ, तुम मुझे कुछ करके दिखाओ. लेट देम गो हैड एंड डू समथिंग. उनको बोलो कि अच्छा आप 5 घंटे पढ़ाई करते हो, 3 घंटे आप फोटोग्राफी भी करो, आप आर्ट करो, डांस करो, जो करना चाहते हो करो, लेकिन मुझे रिजल्ट्स दिखाओ. जब वो रिजल्ट दिखाने लगे तो फिर आप उनको शाबाशी दो, आप उनको वाहवाही करो, फिर उसको उस चीज़ के लिए प्रमोट करो. एंड जहाँ तक पैसे कमाने की बात है, वो ज़माने गए जब लगता था कि सिर्फ एक डॉक्टर ही पैसे कमा सकता है, जब आपको लगता था सिर्फ इंजीनियर या लॉयर ही पैसे कमा सकता है. आज के टाइम पे पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई करनी चाहिए, आई सपोर्ट पढ़ाई, बट आज के टाइम पे योर टैलेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड यू कैन अर्न मनी इन एनी थिंग. एक पान बेचने वाला भी पैसे कमा सकता है, एक गाड़ी साफ़ करने वाला भी पैसे कमा सकता है, एक फोटोग्राफर भी पैसे कमा सकता है, कोई भी पैसे कमा सकता है. बट द थिंग इज़ कि आप जिसको आप चाहते हो, आप उसको चांस तो दो, आप उसको कुछ मौका तो दो कि वो अपने आप को प्रूव कर सके, और बैलेंस करके चलो. क्योंकि लड़ाई करके, झगड़ा करके, नेगेटिव बातें बोल के सिर्फ आप उसको डिप्रेस कर रहे हो और उस चीज़ को तोड़ रहे हो. मेरी बात मानो, आज की डेट पे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन वो जी नहीं रहे हैं, वो मर मर के जी रहे हैं, बिकॉज़ वो करना कुछ और चाहते थे, उनको ज़बरदस्ती कुछ और कराया गया है. तो मेरा सिर्फ ये सजेशन है, आप अपने बच्चे को, आप जिसको प्यार करते हो, आप जिसको चाहते हो, आप उसको जीने का तरीका सिखाओ, आप उसको वो करने की इजाज़त दो जिसे वो प्यार करता है, और जिस चीज़ को वो प्यार करता है उसमें वो एक्सेल करेगा ही करेगा. आज नहीं तो कल ज़रूर करेगा, क्योंकि मर मर के जीने से कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा कमा के भी कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप जी नहीं रहे हो, अगर आप खुश नहीं हो. और खुशी खुशी अगर आपके पास थोड़ा भी है तो आप उस चीज़ को दुगना तिगना चौगना कर दोगे, क्योंकि आप खुश हो वो चीज़ करके. सब लोगों के अंदर अलग अलग टैलेंट्स हैं, सब लोगों के अंदर अलग अलग कलाकारी है, पर द थिंग इज़ कि अगर हम अपने जो पास के लोग ही हैं, जब हम उसको दबाने की कोशिश करें, उसकी गला घोटने की कोशिश करें, तो वो कैसे बढ़ेगा, वो पौधा कैसे बड़ा होगा. वो पौधे को ग्रो करने का टाइम तो दो, उस पौधे को कुछ समझने का टाइम तो दो, और आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट तो करो उस चीज़ को समझने की. अब आप दोनों को, जो बेचारे पीड़ित हैं और जो पीड़ा पहुंचा रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो पीड़ा पहुंचा रहे हैं लेकिन वो उनको चाहते हैं, मैं दोनों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बैलेंस बना के चलो. पढ़ाई ज़रूरी है, अपने काम से किसी चीज़ को प्रूव करो, और आपकी फैमिली आपके साथ है, आपकी फैमिली आपका बुरा नहीं चाहती है, और मैंने फैमिली को बोल दिया है, वो आपका साथ देगी, आपका ख्याल रखेगी. ठीक है, तो भाई मिलजुल के सारे काम करो एंड सब कुछ अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है, और जो भी चीज़ दिल से करी जाए वो अच्छी ही होती है, और आगे बढ़ो और कार्यक्रम चालू रखो. मिलते हैं फिर अगली कहानी में, आपका दोस्त आपके साथ बना रहेगा. टेक केयर, बाय बाय, चाओ, टेक केयर. सब बढ़िया, टकाटक चकाचक. तो मित्रों, आपके लिए सिर्फ इतना सा सजेशन है, तो मित्रों आपके
never trust. Yeah, no, I don't.